बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं पारस हसनैन और एस्पायर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस चुनिया कैंपस के प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए एडीपी कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स कंडक्ट किए जा रहे हैं, और उस सीरीज़ का आज फिफ्थ लेक्चर है। चलें आज देखते हैं कि आज हमने क्या पढ़ना है। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है इनपुट डिवाइस। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, इनपुट डिवाइसेस। What is input devices? So, सबसे पहले हम देखेंगे कि input क्या होता है। The data and instructions given to the computer known as input. जो भी data या instructions जो हम computer को देते हैं कि ये काम कर दो, ठीक है, या इस data पे ये काम कर दो, तो वो हमारा क्या होता है, input होता है। Given by the devices known as input device. और जो devices ये data या instructions देती हैं computer को, हम उन्हें क्या कहते हैं, input devices. इनपुट डिवाइसेस की टाइप्स हैं काफ़ी सारी, वो मैंने लिस्ट आउट किए हैं, देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कीबोर्ड, सेकंड पॉइंटिंग डिवाइसेस, थर्ड टच स्क्रीन्स, फोर्थ पेन इनपुट, फिफ्थ गेम कंट्रोलर्स, सिक्स ऑडियो इनपुट, एट्थ जो आपकी सेवन जो है वीडियो इनपुट, एट जो आपकी स्कैनर्स एंड रीडिंग डिवाइसेस, नाइन्थ वाली बायोमेट्रिक डिवाइसेस, और टेंथ वाली जो है सेंसर इनपुट डिवाइसेस। ये हमारी 10 टाइप्स हैं इनपुट की। उनमें से आज एलैबोरेट करेंगे हम कीबोर्ड को। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आप सबने देखो कि एक ऐसी डिवाइस है जिसके थ्रू हम कीज़ को यूज़ करते हुए डाटा या इंस्ट्रक्शंस को इनपुट देते हैं, किसको, सिस्टम को, ठीक है। जो कीबोर्ड है वो हमारा ऑलमोस्ट 100 कीज़ के ऊपर मुश्तमिल होता है। जो अरेंजमेंट होती है उन कीज़ को, कि कैसे उन कीज़ को उस कीबोर्ड के ऊपर उन्होंने अरेंज किया होता है, उसको हम कहते हैं लेआउट। यानी कि जिस अरेंजमेंट के साथ कीज़ उस अरेंज हुई होती हैं कीबोर्ड पे, वो क्या होता है, कीबोर्ड लेआउट। थर्ड चीज़ क्या लिखी है मैंने, क्वालिटी। अब ये क्वालिटी क्या है, आपने जो फेमस जो हमारे चलते हैं, जो कॉमनली हम सब यूज़ करते हैं कीबोर्ड, ज़रा आप सब उस पर ध्यान से देखिएगा, तो उसकी फर्स्ट रो के अंदर जहाँ पर अल्फ़ाबैट्स लिखे होते हैं वो लिखा होता है QWERTY। ये इसलिए हम इन्हें क्वालिटी कीबोर्ड्स कहते हैं। एक इसके अलावा एक और भी था जो था DWORK, उसकी फर्स्ट रो के अंदर क्या लिखा हुआ था, DVORK, जबकि कॉमनली आजकल हमारे क्वालिटी यूज हो रहे हैं, इसलिए मैं क्वालिटी को यूज। कीबोर्ड के आगे कीज देखते हैं कि वो किन किन कीज के ऊपर मुश्तमिल है। फर्स्ट है हमारी न्यूमेरिक कीज। न्यूमेरिक कीज़ आपने अक्सर कीबोर्ड्स पे देखा होगा, एक साइड पे हमारा एक पैनल बना होता है न्यूमेरिक कीज़ का, जिसके ऊपर 0 से 9 तक डिजिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, प्लस हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन। हमारे तमाम नंबर्स 0 से लेकर 9 तक और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स जो उस साइड पर होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, न्यूमेरिक कीज़। हम उन नंबर्स पर ये अर्थमेटिक ऑपरेशन उनके थ्रू परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन कीज़। बिल्कुल टॉप के ऊपर लिखे होते हैं F1 से F12 तक हमारे बटन्स होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं फंक्शन कीज़। इनका स्पेसिफिक काम होता है, हर सॉफ्टवेयर के डिपेंड करता है हर सॉफ्टवेयर के ऊपर कि इनकी वर्किंग क्या हो सकती है। कॉमनली जो F1 जो हमारा बटन है, इसको हम लोग विंडो में एज ए हेल्प के लिए यूज़ करते हैं। जब भी हमने कोई हेल्प लेनी हो तो हम F1 का बटन प्रेस करते हैं। सेम एज जो F2 का बटन है, वो हम किसी भी फोल्डर या फाइल को रीनेम करने के लिए F2 का बटन प्रेस करते हैं। फिर F4 जो है हमारा, उसको हम Alt के साथ कम्बिनेशन बना के शट डाउन करने के लिए, क्लोज करने के लिए, F5 जो है हमारा रिफ्रेश करने के लिए। सेम एज जो हर बटन की अपनी अपनी एक स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी है, जो सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी होती जाती है। नेक्स्ट है अल्फा न्यूमेरिक कीज़। अल्फाबैट्स और न्यूमेरिक कीज़, जो आपका मेन कीबोर्ड का सेंटर में एक लेआउट होता है, उसमें आप देखें कि फंक्शन कीज़ के नीचे 0 से लेकर 9 तक दोबारा डिजिट्स दिए होते हैं, और उसके नीचे आपके अल्फाबैट्स A to Z सारे उसमें दिए होते हैं, जिसमें फर्स्ट रो क्वर्टी की होती है हमारी, वो होती है हमारी अल्फा न्यूमेरिक कीज़। उसके अंदर हमारे तमाम सिंबल्स जो दूसरे, जैसे डॉलर साइन, एंड का साइन, इस तरह के हैश का साइन, ये सारे साइन इन अल्फा न्यूमेरिक कीज़ के अंदर होते हैं। फिर है बैक स्पेस की। एक बड़ा सा बटन होता है साइड पे लगा होता है, बैक स्पेस क्या, कोई भी करेक्टर को हमने डल करना है वर्ड प्रोसेसिंग में, एक्सेल में, कोई भी सिंगल करेक्टर को जो लिखा है उसको हमने डल करना है, तो हम बैक स्पेस की यूज़ करते हैं, या किसी फोल्डर से बैक वापस किसी दूसरे ड्राइव में जाने के लिए, वापस जाने के लिए हम बैक स्पेस का बटन प्रेस करते हैं। एंटर की। एंटर की क्या होती है, इसकी
इसकी भी सेम एज हर सॉफ्टवेयर में इसकी फंक्शनैलिटी वो बदल दी जाती है, लेकिन ज़्यादातर ये एंटर होता है, हम लोग जब भी इंस्ट्रक्शन देते हैं तो उसको फाइनल एंटर करने के लिए एंटर की यूज़ करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में एंटर की यूज़ करते हैं, हम जब एक डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो न्यू लाइन में जाने के लिए एंटर की यूज़ करते हैं। फिर कैप्स लॉक है, कैप्स लॉक हमारा क्या है, एक टूगल की है। टूगल की किस वाले से कि ये दो तरह के मोड में चेंज करता है। कैसे, हम जब अल्फ़ाबेट्स लिख रहे होते हैं तो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स लिखने के लिए हमें कैप्स लॉक का बटन दबाएं तो वो कैपिटल वर्ड्स में शिफ्ट हो जाता है। जब हमने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना है तो हम दोबारा कैप्स लॉक को ऑफ कर देते हैं तो वो हमारे स्मॉल लेटर्स में आ जाता है। टैब की, टैब की इसकी फंक्शनैलिटी आलमोस्ट जो है वो जंप कराने की है। जब भी आप वर्ड प्रोसेसिंग या एक्सेल में काम कर रहे होते हैं तो डॉक्यूमेंट्स लिखते हुए आपने एक स्पेसिफिक जगह के लिए आपने जंप लेना तो टैब की को यूज़ कराते हैं। सेम एज आ गया मॉडिफायर कीज़, मॉडिफायर कीज़ की एक खसूसियात हैं कुछ, वो मैं आपको बताता हूँ। चार कीज़ जो हैं, कंट्रोल की, आल्ट और शिफ्ट की, ये हमारी मॉडिफायर कीज़ हैं। मतलब क्या है कि ये जो पहले से हमारी जिस तरह फंक्शन कीज़ हैं, इनकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए जो कीज़ यूज़ होती हैं वो हमारी है मॉडिफायर कीज़। अब कंट्रोल या आल्ट या शिफ्ट के बटन को यूज़ करते हुए हम प्लस कम्बिनेशन ऑफ फंक्शन कीज़, मतलब कंट्रोल को प्रेस करके और किसी भी फंक्शन की को हम प्रेस करते हैं तो ये उसकी फंक्शनैलिटी को मॉडिफाई, ये मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में इनके मुख्तलिफ शॉर्टकट, जैसे हमने कंट्रोल पी करते हैं तो वो प्रिंटिंग की ऑप्शन कमांड देता है। दो कीज़ की कम्बिनेशन बना के हम क्या कर रहे होते हैं, कमांड इशू कर रहे थे। कंट्रोल प्लस ओ के साथ क्या होता है, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन, हम कोई न्यू फाइल खोलने के लिए या डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसिंग के लिए न्यू पेज लेने के लिए हम कंट्रोल प्लस एन दबाते हैं। सेम एज आल्ट है, जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि आल्ट प्लस F4 का बटन प्रेस करें तो शट डाउन करने के लिए हमारा कम्बिनेशन बनता है। शिफ्ट भी सेम है, इस तरह इसकी मुख्तलिफ कीज़ के साथ कम्बिनेशन बना के ये मॉडिफाई करता है उनकी फंक्शनलिटीज। कर्सर कंट्रोल, कर्सर कंट्रोल यानी कि वो कीज़ जिसके थ्रू हम अपने कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं वो होती है कर्सर कंट्रोल कीज़। इसमें जो कीज़ है हमारी होम, एंड, पेज डाउन, पेज अप और एरो कीज। जो हमारी होम की है ये क्या करती है, जब हम इसको प्रेस करते हैं तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर ये बिल्कुल हमें टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट पे ले जाती है, ठीक है। एंड क्या, जब एंड की को प्रेस करेंगे तो क्या करेगी, ये हमें बिल्कुल बॉटम पे ले जाएगी डॉक्यूमेंट पे। पेज डाउन क्या करेगी, ये हमें वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर एक पेज हमें नीचे ले जाएगी हमारे कर्सर को। पेज अब क्या, एक पेज ऊपर हम लोग वापस आ जाएंगे हमारा कर्सर। एरो कीज़ जो हमारी न्यूमेरिक कीज़ के साथ भी बनी होती हैं, ठीक है, चार कीज़ होती हैं, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, उन कीज़ को यूज़ करते हुए हम अपने कर्सर को आगे किसी भी जगह मूव करा सकते हैं। स्पेशल पर्पज़ कीज़ जो हमारी, वो ऐसी कीज़ हैं जिसके यूज़ करते हुए हम मुख्तलिफ फंक्शनैलिटीज़ को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद अब आगे आ गया जी टाइप्स ऑफ कीबोर्ड्स। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड में कवर्टी कीबोर्ड, ये हमारा ऐसा कीबोर्ड है जिसकी जो लेआउट है उसमें फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो कवर्टी की फॉर्म में लिखे होते हैं। फिर आ गया इन्हेंस्ड कीबोर्ड, ऐसा कीबोर्ड जिसके अंदर दो कंट्रोल के बटन होते हैं, दो आल्ट के बटन होते हैं, दो शिफ्ट के बटन होते हैं, इस तरह प्लस फंक्शनैलिटी फंक्शन कीज़ और न्यूमेरिक कीज़, न्यूमेरिक पैड अलग से बना होता है, वो हमारा इन्हेंस्ड कीबोर्ड है। उसके बाद है हमारा वायरलेस कीबोर्ड, यानी कि ऐसा कीबोर्ड जो वायरलेस हो, हम उसको ब्लूटूथ के जरिए या वाईफाई के जरिए उसको कनेक्ट करके रेडियो वेव्स के या इंफ्रारेड रेस को यूज़ करते हुए हम कनेक्ट कराते हैं अपने सिस्टम के साथ, तो उस कीबोर्ड, उन कीबोर्ड्स को हम कहते हैं वायरलेस कीबोर्ड। पोर्टेबल कीबोर्ड, पोर्टेबल कीबोर्ड कैसे कीबोर्ड होते हैं जो किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ या पोर्टेबल डिवाइस के साथ अटैच होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, पोर्टेबल कीबोर्ड्स होते हैं। एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड ये ऐसे कीबोर्ड्स हैं जो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं जिनका ज़्यादातर काम जो है टाइपिंग के लिए होता है, क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम ज़्यादा काम कर रहे थे टाइपिंग के ऊपर तो हमारी कलाई पे
या हमारी उंगलियों पे इंजरीज आने का खतरा होता है। तो कुछ जो है ऐसा जो बड़े इंजीनियर्स हैं उन्होंने ऐसे कीबोर्ड्स डिज़ाइन किए हैं कि जिन लोगों का ज़्यादा काम टाइपिंग के साथ है वो ऐसे कीबोर्ड्स को यूज़ करें जिनके थ्रू ये हमारी हैंड की और फिंगर्स की इंजरीज को प्रिवेंट किया जा सके। तो वो हमारे कीबोर्ड्स हैं एर्गोनॉमिक कीबोर्ड्स। उसके बाद है हमारे वर्चुअल कीबोर्ड। वर्चुअल कीबोर्ड देखिए ऐसी चीज़ होती है, वर्चुअल कीबोर्ड मैं पहले भी बता चुका हूँ आप लोगों को कि वर्चुअल का मतलब ही ऐसी है कि जो चीज़ है भी और नहीं भी। सेम एज वर्चुअल कीबोर्ड के अंदर भी उस तरह की चीज़ें हैं कि या तो वो प्रोजेक्ट हो जाएंगे एक फ्लैट सरफेस पे, ठीक है, या हमारी जो मोबाइल स्क्रीन के अंदर जो हम कीबोर्ड यूज़ करते हैं कि आपने देखा होगा जब भी आप टेक्स्ट लिखने के लिए ओपन करते हैं कोई टेक्स्ट एडिटर तो कीबोर्ड ऑटोमेटिकली आ जाता है, वो हमारा क्या होता है वर्चुअल कीबोर्ड। या अगर सिस्टम्स के साथ मुख्तलिफ ऐसे आ चुके हैं कि अपनी हमारी सरफेस फ्लैट सरफेस के ऊपर प्रोजेक्ट हो जाती है और हम उन कीज़ के इंप्रेशन के साथ इनपुट सेंस होके इनपुट जाता है। आगे आ गेमिंग कीबोर्ड। गेमिंग कीबोर्ड ऐसा कीबोर्ड बनाया जाता है जिसके अंदर तमाम स्पेशल टाइप के बटन्स और हर चीज़ जो एक स्टाइल में राउंड शेप में रखा जाता है या उनके मुख्तलिफ डिज़ाइन जो गेमिंग के लिए स्पेशल कीबोर्ड्स बनाए जाते हैं वो हमारे गेमिंग कीबोर्ड्स होते हैं। इसके साथ कीबोर्ड की हमारी ख़त्म होगी। आगे हम आएंगे पॉइंटिंग डिवाइस। पॉइंटिंग डिवाइस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो हमारी कर्सर को स्क्रीन के ऊपर मूवमेंट जो उसकी होती है उसको कंट्रोल करते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे स्क्रीन के ऊपर एक छोटा सा एरो शो हो रहा था अपीयर हो रहा था जो हमारा होता है कर्सर। उस कर्सर के थ्रू हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करते हैं, उसको मूव कराने के लिए हम पॉइंटिंग डिवाइसेस यूज़ करते हैं। पॉइंटिंग डिवाइसेस के आगे टाइप्स हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड और पॉइंटिंग स्टिक। हमारा एक माउस क्या होता है, माउस हमारी एक इनपुट डिवाइस है जिसके अंदर दो या तीन बटन होते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, उसके अलावा एक सेंटर में बटन होता है या वहाँ पे एक कर्सर बॉल लगा होता है, ठीक है, जिसको कर्सर के थ्रू हम लोग अप एंड डाउन जाते हैं एक डॉक्यूमेंट के अंदर, वो हमारा माउस है। माउस की भी आगे टाइप्स हैं, एक है हमारा मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस क्या होता है, उसके अंदर बॉटम के अंदर एक बड़ा सारा बॉल होता है, या वो मेटल का होता है या वो प्लास्टिक या रबर का बॉल होता है। वो बॉल हम एक फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव करते हैं जिससे हमारा कर्सर मूव करता है स्क्रीन पे, ठीक है, और उसके लिए हम एक पैड यूज़ करते हैं रबर का ताकि हम उस बॉल को डस्ट से और दूसरी मिट्टी से बचा सकें ताकि उसकी सरफेस स्मूथ रहे और हमारा माउस ज़्यादा अच्छे से काम कर सके। फिर उसके बाद है ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस जो आजकल हम कॉमनली यूज़ कर रहे हैं जिसे हम कहते हैं कि ये लेज़र वाला माउस है, उसके अंदर कोई बॉल नहीं होता, एक लेज़र लगी होती है जिस लेज़र के थ्रू हम लोग हमारे कर्सर को कंट्रोल कर रहे होते हैं मूवमेंट को। फिर उसके बाद वायरलेस और कोडलेस। सेम एज जैसे कीबोर्ड वायरलेस था उस तरह माउस भी वायरलेस में आ चुके हैं। कुछ ऐसे माउस जो जिनके साथ वायर अटैच नहीं होती, मतलब हम किसी ने इंफ्रारेड रेज या रेडियो रेज के थ्रू हम उनको कनेक्ट कराते हैं, एक ब्लूटूथ के थ्रू या वाईफाई के थ्रू हम जिन डिवाइसेस को अटैच करते हैं सिस्टम के साथ वो हमारे वायरलेस सिस्टम होते हैं, डिवाइसेस होती हैं। फिर उसके बाद हमारा एयर माउस है। एयर माउस ऐसा माउस होता है जो हम लोग स्लाइड शो जब कर रहे होते हैं पावर पॉइंट पे, तो हम लोग आपने देखा होगा अक्सर वीडियोज़ में कि सिंपल क्या करते हैं माउस के थ्रू आगे पीछे कर रहे हैं, आपने आगे जाना तो जस्ट इस मूव करते हैं हमारी स्लाइड आगे हो जाती है, वापस मूव करते हैं बैकवर्ड तो पीछे हो जाती है, अपवर्ड मूव करें वॉइस के वॉइस रेज हो जाती है, डाउन मूवर्ड करें तो क्या होती है उसकी डाउन वॉइस जो कम हो जाती है। तो ऐसा माउस जो एयर में काम कर रहा होता है वो हमारा एयर माउस है। फिर उसके बाद टच माउस। टच माउस क्या है कि सेम एज हमारा टच पैड की तरह होता है माउस, इसके ऊपर हम अपनी फिंगर्स के थ्रू जो करते हैं मूवमेंट कराते हैं कंट्रोल करते हैं कर्सर की, ठीक है, और ये पीस जो हमारे लैपटॉप्स हैं या नोटबुक्स हैं उसके अंदर बिल्ट इन होता है। उसके अलावा हम लोग सिस्टम्स के साथ अटैच करना हो तो एक्सटर्नल भी मिल जाता है जो यूएसबी के थ्रू या दूसरी केबल्स के थ्रू अटैच करके हम एज ए पॉइंटिंग डिवाइस को यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसके बाद हमारी पॉइंटिंग जो इनपुट डिवाइस में है हमारी ट्रैक बॉल। पॉइंटिंग डिवाइस के अंदर क्या आता था माउस के बाद ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल क्या होता है, लार्ज बॉल ऑन टॉप, इसके टॉप पे लार्ज बॉल होता है। माउस में क्या था, बॉटम में लार्ज बॉल था, जबकि ट्रैक बॉल में क्या है जी, उसके टॉप के ऊपर एक बड़ा सारा बॉल होगा। उससे होगा क्या कि हमने अब मूवमेंट जो कर्सर की करानी है जस्ट उस बॉल को रोटेट करेंगे और रोटेट करने से हमारे कर्सर की मूवमेंट जो है कंट्रोल हो जाएगी। उसका फ़ायदा क्या होगा कि ये लेस स्पेस लेगी,
हमें माउस को मूव करने के लिए कंट्रोल कर्सर कंट्रोल करने के लिए क्या करते हैं, ज़्यादा स्पेस चाहिए क्योंकि हमने माउस को मूव करना है, जबकि ट्रैक बॉल के अंदर हम वो बॉल लगा होगा उस बॉल को अपनी फिंगर्स का रोटेट कर रहे हैं, हमें एक स्पेसिफिक जगह चाहिए कि उससे ज़्यादा जगह नहीं चाहिए होगी, ये लेस स्पेस लेगा। टच पैड, टच पैड देखें फ्लैट सरफेस होती है इसकी और बटन होते हैं सेम लाइक माउस के, दो या तीन बटन होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि ये एक हमारी फ्लैट सरफेस के ऊपर हम अपनी उंगलियों को रोटेट करके हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कराते हैं। नोट पैड जो लैपटॉप्स हैं हमारे या पोर्टेबल डिवाइस है उसके अंदर ये बिल्ट इन आता है और पीसीज के साथ हम एक्सटर्नल यूज़ भी करा सकते हैं इसको, और इसको हम ट्रैक पैड भी कहते हैं। उसके बाद हमारी पॉइंटिंग स्टिक आ गई है, लास्ट जो है हमारी पॉइंटिंग डिवाइस में जो टाइप थी पॉइंटिंग स्टिक, ये क्या है, ये प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस है। प्रेशर सेंसिटिव डिवाइस यानी कि ये प्रेशर के साथ काम करती है, इसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं तो ये कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल कराती है। आपने देखा होगा लैपटॉप्स के अंदर जो अक्सर नोट पैड नोटबुक्स हैं उसके अंदर क्या होता है कि कीबोर्ड के सेंटर में या किसी भी जगह पे एक छोटा सा बटन लगा होता है, लाइक एस जैसे पेंसिल की रेजर होती है ना, जो छोटे आपने छोटे होते इस्तेमाल की होगी, पेंसिल के बैक पे एक छोटी सी रेजर लगी होती है, सेम उसी साइज़ की ये डिवाइस होती है जो कीबोर्ड के दरमियान में किसी भी जगह पे लगाई होती है। ठीक है, सेम वही चीज़, लुक लाइक पेंसिल इरेजर एग्जिस्ट बिटवीन कीज ऑफ कीबोर्ड, ये एग्जिस्ट कहाँ कर रही होती है, कीबोर्ड्स के कीज के दरमियान में कहीं। नो एक्स्ट्रा स्पेस और क्लीनिंग, जैसे हम माउस के लिए क्या करना पड़ता है, हमें एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए और क्लीनिंग चाहिए होती है, इसमें हमें कोई चीज़ ऐसी नहीं चाहिए क्योंकि बिल्कुल रेजर साइज की है, जस्ट हमने अपनी फिंगर के साथ उसके ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करना है और इसने इसकी उसके थ्रू हम कर्सर की मूवमेंट को कंट्रोल करवा लेते हैं किसी भी डायरेक्शन के अंदर। थैंक यू स्टूडेंट्स, जिसको इस लेक्चर में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे बाद में पूछ सकता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।